आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24 लाइव। मुखिया नूरैन अंसारी गोलीकांड से आक्रोशित मुखिया संघ ने की प्रखंड स्तरीय मुखिया संघ की बैठक। पूरा मामला रामनगर प्रखंड की है, जहां शुक्रवार की देर शाम में कुछ अपराधियों द्वारा मटिया पंचायत के मुखिया को गोली मार दी थी, जिसके बाद जिले भर से कई प्रखंड के अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए गंडक विभाग के आईबी में मुखिया संघ ने एक बैठक आयोजित किया और एकजुट होकर आए दिन हो रहे वारदातों के खिलाफ मोर्चा खोल लिया। मुखिया संघ के सभी मुखिया प्रतिनिधि ने प्रशासन से अपील की है कि एक हफ्ते के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, अन्यथा मुखिया संघ इस तरह से हो रहे आपराधिक घटनाओं के खिलाफ रोड पर आकर प्रदर्शन करेगी। जिला के मुखिया संघ के अध्यक्ष अफसर इमाम ने बताया कि किसी भी कार्य करने की एक नियम प्रणाली होती है, इसके तहत कार्य को किया जाता है, इसलिए हमें प्रशासन पर भरोसा रखना है और समय देना है। प्रशासन अपनी कार्य अच्छे तरीके से करेगी। वहीं इस बैठक में मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष अफसर इमाम, सोसा पंचायत के मुखिया इम्तियाज खान, डैनमरवा मुखिया सिकंदर खान, लौरिया प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष राम विनोद ठाकुर, लौरिया प्रखंड के मुखिया इम्तियाज अहमद तथा संजय पटेल, सिकंदर महतो, औरंगजेब खान एवं प्रखंड के सभी मुखिया मौजूद रहे। इस मीटिंग के क्या उद्देश्य है आप लोग का? मीटिंग का ये उद्देश्य ये रहा कि जनप्रतिनिधि जनता का सेवक होता है और जो जनता का सेवक है उन्हीं लोगों के साथ इस तरह की घोर अपराधी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इससे सभी जनप्रतिनिधि इस घटना के घोर निंदा करते हुए काफ़ी आक्रोशित हैं और चरणबद्ध आंदोलन के लिए तैयार हुए हैं। ये लोकल प्रशासन इस पर अविलंब कार्रवाई करें और जो दोषी है उनको एक सप्ताह के अंदर गिरफ्तार कर और कानूनी कार्रवाई करें और मुखिया लोगों के और जो भी जनप्रतिनिधि है इनकी सुरक्षा का गारंटी जिला स्तर पर लिया जाए, प्रशासन के तरफ से लिया जाए। और यहाँ एक साल से जैसे कि मुखिया लोगों के द्वारा बताया जा रहा है और समाचार पत्रों से भी ज्ञात होता है कि सभी लोगों को लाइसेंस देने की बात आ रही है, सुरक्षा मुहैया कराने की बात आ रही है, लेकिन ये सब कागज़ में ही चल रहा है। इसको अगर धरातल पर नहीं लाया जाता है तो जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष और सभी जिला के प्रखंड अध्यक्ष लोगों द्वारा ये सामूहिक निर्णय लिया गया है कि इसके लिए जिला में एक दिवसीय धरना होगा, एक मेमोरेंडम दिया जाएगा और अगर इस पर अग्रतर कार्रवाई नहीं किया जाता है तो पटना से बेतिया से लेके पटना तक इस आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। जनप्रतिनिधि संकल्प ले चुके हैं कि इस तरह की दूसरी घटना नहीं हो, इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार हो और हम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। अच्छा, और हम लोग यहाँ मीटिंग रखे थे, अध्यक्ष जी हमारे रखे थे जिला अध्यक्ष, कि नूरैन भाई के साथ में जो घटना हुई है ये बहुत अशोभनीय घटना हुई है। बगहा में भी ऐसा घटना एक बार हो गया और सब जिला में भी हो गया और मुखिया जी लोगों का सुरक्षा मिलते रह गया और मिलने के बाद वहाँ लाइसेंस का भी मंत्री जी के यहाँ से ऑर्डर हुआ लेकिन लाइसेंस भी नहीं मिला, लोग दौड़ते दौड़ते थक गया। अब मुखिया जी लोग क्या हुआ कि अब मारे जा रहे हैं, कहीं कुछ घटना हो रही है, कहीं कुछ घटना हो रही है। इसी बिंदु पर हम लोग अपना मीटिंग रखे थे और मीटिंग किए हैं और यहाँ से लेकर जिला तक हम लोग लड़ाई लड़े। मेरा नाम अनूप लाल यादव हुआ, मुखिया गहरी है और प्रखंड अध्यक्ष नौतन प्रखंड है। तो अगला कदम क्या होगी आपका? अगला कदम यह होगी कि नूरैन साहब के साथ जो कातिलनामा हमला हुआ है, माननीय मुखिया हैं और उनकी व्यापक सुरक्षा में कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा भूल हुई है, चूक हुई है। और यदि आज यदि FIR लॉज जिन जिन व्यक्तियों पर हुआ है और उनको अविलंब गिरफ्तार नहीं किया जाता है और यदि इसके लिए हम लोग गोलबंद होते हैं हम सब लोग और यदि कोई सिचुएशन क्रिएट होता है तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। और यह निर्णय लिया गया है कि जिला मुखिया महासंघ के अध्यक्ष और MLC प्रतिनिधि जो है हमारे सौरभ बाबू,
यदि इसमें जो भी विचारधारा बनेगा, जो भी लड़ाई के लिए अंजाम देने के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे, हम लोग उसमें सहमत हैं, तैयारी हैं, खड़े हैं।